नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं कुलदीप सोनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे चक्रासन की। जैसे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे चक्रासन का अभ्यास नहीं होता, लेट कर भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते। जो नए हैं, जो सीखने के इच्छुक हैं, तो हम उन्हीं के लिए आज इस अभ्यास को आपको बताएंगे। तो आप सीखेंगे मेरे साथ चक्रासन का अभ्यास। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लेट जाएंगे ऐसे। प्रकार आपको लेटना है, फिर अपने घुटने बैंड करने हैं, घुटनों में थोड़ा फासला रखना है, लगभग 6 इंच के आसपास, या फिर आपके कंधों के अकॉर्डिंग, हिप्स के अकॉर्डिंग फासला रखना है पैरों में। फिर दोनों हाथों को उठाते हुए, दोनों उंगलियों को, पंजों को मोड़ते हुए हथेलियां जो है आपकी कंधों के पास रख लेंगे ऐसे। फिर आपको श्वास भरना है। श्वास भरते हुए पहले आप अपने हिप्स उठाएं। जो नए अभ्यासी हैं जिनसे बिल्कुल भी नहीं होता, उनके लिए पहले अपने हिप्स उठाएं, फिर हथेलियों पर दबाव देते हुए, जोर लगाते हुए अपने सिर का हिस्सा उठाकर ये ऐसे जमीन पर रख दें। उसके बाद जो नए अभ्यासी हैं वो वापस आ जाएं और फिर से इसी अवस्था में, इसी पोजिशन में आ जाएं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए क्या करना है आपको, थोड़ा सा हाथों पे और जोर लगाना है और जोर लगाते हुए आपको धीरे धीरे सिर को भी जमीन से ऊपर की तरफ उठाना है। इस प्रकार आपको चक्रासन का अभ्यास करना है, लेकिन धीरे धीरे करना है। फिर इसी प्रकार धीरे धीरे वापस आ जाएं। सबसे पहले अपने सिर को टिकाएं, फिर धीरे धीरे सिर हटाते हुए, सारा लेते हुए आप नीचे की तरफ आ जाएं। फिर आपको इसका काउंटर पोज जी करना है। इस प्रकार घुटनों को पकड़ेंगे, घुटनों को चेस्ट की तरफ लेके आएं और अपना जो नासिका है वो अपने घुटनों से टच कर देंगे, लगा देंगे। फिर आप वापिस आ जाएं। फिर आप इसी प्रकार आप लेफ्ट करवट लेते हुए उठ जाएं। ये था हमारा चक्रासन का अभ्यास। इसको धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करके करना है, धीरे धीरे करना है, एकदम से इसका अभ्यास नहीं करना। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।